नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार के छपरा में बवाल हुआ है, जिसके बाद वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियातन प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है। छपरा में 3 लोगों को गोली लगी थी, फायरिंग में एक शख्स की मौत की जानकारी है, तो वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी इस वक्त उस घटनास्थल पर है जहां पर बवाल मचा था, और लगातार जो पुलिस है उसकी तरफ से लोगों को समझाइश दी जा रही है ताकि मामला शांत कराया जा सके। गोलीबारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आप किस तरीके से सामान आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। ये पूरा इलाका जहां पर ये गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस फायरिंग की जद में आके एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं 2 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि अब छपरा में हुए बवाल पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कौन लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है? आरजेडी की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। तो इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने यह पूछा है कि छपरा में दूसरे जिले के लोग कैसे दिखे, लालू यादव के परिवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए। घटी है उसमें 1 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है को स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि अब छपरा में हुए बवाल पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कौन लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है? आरजेडी की तरफ से बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। तो इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने यह पूछा है कि छपरा में दूसरे जिले के लोग कैसे दिखे, लालू यादव के परिवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए। घटी है उसमें 1 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है को स्थिति को नियंत्रण में करें और चिन्हित करें कौन लोग लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। सत्ता के दम पर अगर कोई ये चाहेगा कि लोकतंत्र को हम उसका गला घोटे, बूथ कैप्चरिंग करें, तो ये संभव नहीं है। तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है।